हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन अबाउट मेडिसिन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे सिक्स टेबलेट के बारे में, यानी कि किसी भी पुरुष को अगर शीघ्र पतन की समस्या हो या कोई ऐसा पुरुष जिसका लिंग बहुत कम खड़ा होता हो या फिर सेक्स करने के दौरान बहुत जल्द डिस्चार्ज हो जाता हो, तो ऐसे पुरुषों को कौन सी दवा लेनी चाहिए। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऐसी दवा के बारे में जिसका इस्तेमाल करने से शीघ्र पतन को ठीक किया जाए, और इस दवा को लेने के तरीके के बारे में बात करेंगे, और वीडियो को लास्ट में जानेंगे कौन सी दवा सबसे अच्छा काम करती है, कौन सी लेनी चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। दोस्तों, मार्केट में आपको बहुत सारे टैबलेट मेडिकल स्टोर पर मिल जाते हैं, जिनमें मैनफोर्स टैबलेट, विगोरा टैबलेट और सुहागरा नाम से मिल जाती है, लेकिन इनका रिस्पांस बहुत लोगों को मिलता है और बहुत सारे लोगों को बिल्कुल इनका रिस्पांस नहीं मिल पाता है। दोस्तों, विगोरा टैबलेट, मैनफोर्स टैबलेट और सुहागरा, ये तीनों टैबलेट सेम कॉम्पोजिशन के हैं। मार्केट में 50 mg, 100 mg में अवेलेबल होते हैं। इनको अलग अलग कंपनियों के द्वारा बनाया जाता है। इसके जो कॉम्पोजिशन होते हैं, इसमें सिलेनाफिल साइट्रेट होते हैं। इसका उपयोग शीघ्र पतन के इलाज में किया जाता है, जैसे लिंग ना खड़ा होना या फिर सेक्स टाइमिंग का कम होना, ऐसी प्रॉब्लम्स को ठीक किया जाता है इस टेबलेट से। इसके अलावा इसमें मेगालिस टेबलेट आती है, टैडासिप टेबलेट आती है, ये मार्केट में बहुत ज़्यादा चलती हैं। दोस्तों, विगोरा और मैनफोर्स के मुकाबले ये अच्छा काम करती हैं। इनका कॉम्पोजिशन टैडालाफिल होता है। इसका इस्तेमाल शीघ्र पतन में किया जाता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन में किया जाता है, जैसे लिंग खड़ा ना होना या सेक्स टाइम कम होना, इन सब के इलाज में ये दिया जाता है। इसके अलावा मार्केट में आपको दासूत्रा 30x, कुतुब 30x नाम से टेबलेट मिल जाएगी। दोस्तों, ये दो कॉम्बिनेशन वाली दवा होती है। इसके जो कॉम्पोजिशन होते हैं, सिल्डेनाफिल होते हैं, डेपोक्सेटिन होते हैं। इसका इस्तेमाल विशेष रूप से लिंग कम खड़ा होना या लिंग में तनाव ना आना या फिर सेक्स टाइमिंग बहुत कम होना, इन सब समस्या के इलाज में दिया जाता है। तो बात करें अगर इन तीनों प्रकार की दवा की डोज, यानी इसको कैसे खानी चाहिए उसके बारे में, तो विगोरा टेबलेट या मैनफोर्स टेबलेट जो होती है, सेक्स करने के 1 से 2 घंटे पहले ली जाती है। इसके अलावा मेगालिस टेबलेट और टैडासिप टेबलेट, जिसमें टैडालाफिल कंटेंट्स होता है, ये 20 mg की जो टेबलेट्स होती है, ये सेक्स करने से 1 से 3 घंटे पहले ली जाती है। इसका असर 48 घंटे तक रहता है, इसलिए इसको दूसरी डोज जो है 48 घंटे के बाद ही ली जाती है। इसके अलावा दासूत्रा 30x और कुतुब 30x, ये दवा सेक्स करने से 1 से 3 घंटे पहले ली जाती है। इसकी खासियत ये है कि इसको लेने के बाद सिर दर्द नहीं होता, जैसा कि विगोरा टेबलेट लेने पर होता है। तो दोस्तों, इन तीनों टेबलेट में सबसे अच्छा रिस्पांस कुतुब 30x का है। आप कुतुब 30x या दासूत्रा 30x ले सकते हैं। इसके बाद मेगालिस का रिस्पांस बहुत अच्छा है, आप ये भी ले सकते हैं। ये आपके चॉइस पे ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, इसमें जो सबसे बेस्ट टेबलेट है, कुतुब 30x टेबलेट है, आपको वही लेनी चाहिए। दोस्तों, दवा के रिलेटेड आपको कोई भी क्यूरीज हो तो प्लीज़ आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।